यार एक बात पूछनी थी आप लोगों से। आप उदास होते हो? आय हाय बहुत ज्यादा। पर आपको पता है उदास होने के पीछे का रीजन क्या होता है? नहीं पता? मैं बता देता हूँ। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो मुझे यानी कि आरजे अमन को और टाइम अमन की डायरी का। और आज अमन की डायरी में पता है क्या लिखा है? आज अमन की डायरी में लिखा है इसी चीज के बारे में, उदास। हाय हाय वो उदास सा चेहरा। यार रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और मैं भी यही सोच रहा था कि जितने भी लोगों से मैं पिछले हफ्ते मिला वो उदास क्यों है। कोई लाइफ से परेशान, कोई दोस्ती से परेशान, कोई फैमिली से, कोई जॉब से, कोई रिलेशनशिप से, पर परेशान क्यों है? ओह, एक्सपेक्ट टू मच करने लगे हैं। पर क्या वो गलत है? बिल्कुल भी नहीं। हम किससे एक्सपेक्ट करते हैं? उस इंसान से जिससे हमारा लगाव होता है, जिससे थोड़ा सा प्यार हो जाता है। और उसके बाद जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता है तो दिल के एक कोने में हाँ वो सैडनेस यूं एंट्री मार लेती है। पर इसमें गलत नहीं है कुछ, और इसीलिए वो जो सैडनेस है आपसे कुछ कहना चाहती है। आप ध्यान से सुनना। हाय, पहचाना मुझे? अरे ऑब्वियस ही बात है, पहचानोगे ही। अब तो मैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गई हूँ। पर एक समझ नहीं आती बात मुझे कि जब आप खुश होते हो उस वक्त भी ना चाहते हुए मुझे याद कर लेते हो। मैं जानती हूँ कि राहत को घर पहुँचने के बाद, फैमिली के साथ वक्त बिताने के बाद आपको वो पुरानी चीजें याद आ जाती है, उसके बाद आप उदास हो जाते हो। पर मैं खुद सैडनेस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा किया है और आप आगे भी करने वाले हो, और अगर आप मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा रखना भी चाहते हो तो उसका एक रीजन ढूंढ लो। रीजन यानी कि आप तब तब सैडनेस को याद करोगे जब आप कुछ अच्छा अचीव करोगे, ताकि आपकी जिंदगी को एक बूस्ट मिल सके और उसके बाद आपकी जिंदगी और अमेजिंग हो जाएगी। और मेरा साथ छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तक मैं आपकी जिंदगी में रहूंगी नहीं तो आपको अचीवमेंट का कैसे पता चलेगा। वो कहते हैं ना कि मीठा कैसा है ये तभी पता चलता है जब आपको नमक का स्वाद पता हो। तो सैडनेस कैसी है ये आपको तभी पता चलता है जब आपकी जिंदगी में ऑलरेडी हैप्पीनेस है और ये जिंदगी के पहलू है। तो सैडनेस, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। अमन की डायरी में आज के लिए सब इतना ही। बाकी आप सुनते रहो रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।